Welcome students, welcome to the e-learning session of accountancy. We have started with company accounts and presently we are doing the chapter issue of shares. Okay, theory portion has been covered, so today we will start with few illustrations on how to issue shares. ठीक है, issue of shares पे basic concepts आज हम लोग जानेंगे. So issue of shares at par, एट प्रीमियम एंड एट डिस्काउंट. एट पार अभी हम लोग करने जा रहे हैं. एट पार मीन्स व्हेन शेयर्स आर इशूड एट अ प्राइस व्हिच इज इक्वल टू द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर. ठीक है, शेयर की जो फेस वैल्यू है यानी जो नॉमिनल वैल्यू है वो जितने रुपए भी है अगर उसी दाम पे शेयर इशू होता है तो हम लोग बोलते हैं शेयर इज इशूड एट पार. ठीक है, लेट्स टेक अप एन इलस्ट्रेशन एंड एग्जाम्पल टू नो हाउ द एंट्रीज आर पास व्हेन अ शेयर इज इशूड एट पार. पार लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 500 शेयर्स. ठीक है, पार लिमिटेड इज अ कंपनी एंड इट इज इनवाइटिंग एप्लीकेशन फ्रॉम द पब्लिक फॉर 500 शेयर्स ऑफ रुपीज 20 ईच. हर शेयर का दाम 20 रुपए है. ठीक है, ये इसकी फेस वैल्यू है. द अमाउंट इज पेबल एज रुपीज 5 ऑन एप्लीकेशन, रुपीज 7 ऑन अलॉटमेंट, रुपीज 3 ऑन फर्स्ट कॉल एंड द बैलेंस अमाउंट ऑन फाइनल कॉल. ठीक है, तो जो फेस वैल्यू है वो मार्केट वैल्यू से डिफरेंट होती है. ठीक है, फेस वैल्यू मतलब जितना अमाउंट शेयर होल्डर्स पे करेंगे और कंपनी को, और मार्केट वैल्यू वो होती है जिस दाम पे शेयर स्टॉक एक्सचेंज में बाई एंड सेल होता है. आपको उससे अभी कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे हम लोग को मार्केट प्राइस से मतलब नहीं है. तो 20 रुपीज इज नॉट द मार्केट प्राइस. आप जब शेयर बाजार में खरीदोगे, बाजार मतलब स्टॉक एक्सचेंज में खरीदोगे, तो आपको जो दाम मिलेगा वो मार्केट प्राइस रहेगा. लेकिन ये क्या है, इसका फेस वैल्यू. फेस वैल्यू मतलब जितना जितने दाम पे कंपनी को पेमेंट करना है शेयर होल्डर्स को. ठीक है, व्हेन इट इज इशूड एट पार नॉट एट प्रीमियम एंड डिस्काउंट, वो अलग है, वो केसेस अलग है. जब पार पे इशू हो रहा है मतलब फेस वैल्यू जो उसकी जो नॉमिनल वैल्यू वो कितनी है उसी पे इशू हो रहा है. तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि कुछ मेंशन नहीं है, मतलब हम लोग मान रहे हैं कि इट इज इशूड एट पार. ठीक है, क्या एट पार मतलब 500 शेयर की जो फेस वैल्यू है 20 रुपए, तो 500 शेयर जो है वो 20 रुपए पे ही अगर इशू हो तो उसको एट पार बोलते हैं. ठीक है, और अमाउंट किस किस तरह से पे होगा, ये जो 20 रुपए है फेस वैल्यू ये कंपनी किस तरह से ले रही है, 5 रुपए एप्लीकेशन के टाइम पे लेगी, 7 रुपीज अलॉटमेंट करते समय लेगी, 3 रुपए पहले कॉल पे लेगी, और जो बैलेंस अमाउंट है 5 रुपए वो कब लेगी, वो कंपनी फुल एंड फाइनल कॉल. ठीक है, उस पे लेगी. तो लेट्स पास द जर्नल एंट्री. कैसे होता है, सबसे पहले जब कंपनी को एप्लीकेशन मिलती है पब्लिक से तो क्या एंट्री पास होती है, पैसा आता है बैंक अकाउंट में, कंपनी के बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है, तो एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट. क्रेडिट किसको करेंगे हम लोग, क्रेडिट करेंगे शेयर एप्लीकेशन को. क्यों, क्योंकि शेयर एप्लीकेशन के लिए पैसा मिल रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन. अब कितना अमाउंट है, ये 20 रुपए से आपको कुछ मतलब नहीं है अब. हाँ, आपको मतलब है ये जो अलग अलग अमाउंट है, तो ब्रेकअप जो किया हुआ है, तो 5 रुपए अलॉट एप्लीकेशन पे है, तो 5 रुपए के हिसाब से 500 शेयर पे कितने रुपए मिलेंगे. ऐसे करिए आप लोग, 500 इंटू 5 यानी कि 2500. ठीक है, ये एंट्री हो गई हमारी. नरेशन आप लोग लिख दीजिएगा, मैं मेरे पास स्पेस कम इसलिए मैं नरेशन नहीं लिख रही हूँ. आपको नरेशन क्या देना होगा, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन. ठीक है, नाउ नेक्स्ट एंट्री, दिस शेयर एप्लीकेशन मनी को कहाँ ट्रांसफर करेंगे हम लोग, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर है. ये कैपिटल है ना, शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी में हम लोग इसको ट्रांसफर कर देंगे. तो क्या एंट्री पास करेंगे, इसको हम लोग एंट्री 1 कर देते हैं, तो एंट्री 2 कर देते हैं. शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट
शेयर कैपिटल, इसका क्या मतलब हुआ? कंपनी के पास पैसा आया, किस लिए आया? शेयर के एप्लीकेशन में पैसा आया। अब ये जो अमाउंट है, ये शेयर एप्लीकेशन की जो मनी है, ये बैंक अकाउंट में पड़ी है, लेकिन इसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा ना, क्योंकि ये किस लिए आया है? कैपिटल के लिए आया है। कंपनी की जो कैपिटल होती है वो शेयर कैपिटल होती है, तो शेयर कैपिटल में इसको ट्रांसफर करना होगा, इसीलिए ट्रांसफर किया जा रहा है। पहली एंट्री तो पैसा रिसीव हुआ था एप्लीकेशन में, दूसरी एंट्री इज ऑफ ट्रांसफर। ठीक है, तो यहाँ पे आप नरेशन क्या दोगे? बींग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, आप दे दीजिएगा नरेशन, बींग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अच्छा, ये अमाउंट यही वाला रहेगा क्योंकि हम लोग उसी को ट्रांसफर कर रहे हैं। आई होप यहाँ तक कोई परेशानी नहीं आप लोग को। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टेप है हमारा, जब कंपनी शेयर को अलॉट करती है। अभी तक तो हम लोग कंपनी के लिए जैसे शेयर की एप्लीकेशन ली जा रही थी, पैसा आ रहा था, उसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफर किया जा रहा था। अब जब कंपनी अलॉट करेगी, तब माना जाएगा कि कंपनी ने एक कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, कंपनी ने एक अपने आप को अपने शेयर होल्डर्स के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर लिया। ठीक है, क्या कॉन्ट्रैक्ट है? कि इतना शेयर इतने लोगों को अलॉट किया जाए। तो थर्ड एंट्री विल बी ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट की क्या एंट्री होगी? सबसे पहले अलॉटमेंट का अमाउंट ड्यू होता है। जब ड्यू होता है तो क्या एंट्री पास होती है? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। मतलब क्या है कि ये अमाउंट अभी ड्यू हुआ है। आप नरेशन क्या दोगे? बीइंग शेयर अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू। कितना रुपए ड्यू हो रहा है? 7 रुपए के हिसाब से अलॉटमेंट हो रहा है, तो 7 रुपए ड्यू हो रहा है और 500 शेयर, तो कितना होगा? 3500। ठीक है, 7 × 500 जैसे हम लोग ने यहाँ पे किया था वैसे ही। ये तो है ड्यू होने की एंट्री। जब एक्चुअल में रिसीव होगी तो क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, अमाउंट विल बी सेम 3500। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे अलॉटमेंट की मनी मिल रही है। पहले अमाउंट ड्यू हुआ था, अब अमाउंट रिसीव हो रहा है। ठीक है, जब रिसीव हो रहा है तो बैंक को डेबिट कर रहे हैं और शेयर अलॉटमेंट को क्रेडिट कर रहे हैं, क्योंकि शेयर अलॉटमेंट के लिए पैसा मिल रहा है। ठीक है, ये जो 20 रुपए है, 20 रुपए में से 5 रुपए करके तो एप्लीकेशन पे कंपनी ने ले लिया। अब कंपनी एक एक करके जितना भी पैसा है, 20 रुपए है, ये कैसे कैसे शेयर होल्डर से लेती जाएगी जरूरत पड़ने पे, वही हम लोग करते जा रहे हैं। अलॉटमेंट मतलब ही होता है कि अब शेयर होल्डर्स को दिए जाएंगे। एप्लीकेशन मतलब आपको एक ऑफर दिया गया था कि आप है ना ये शेयर पे पैसा लगाइए। ठीक है, आपको कंपनी ने जब प्रॉस्पेक्टस दिया तो मतलब एक ऑफर दिया, आपने अगर वो ऑफर एक्सेप्ट किया, आपने उसके लिए अप्लाई किया, मतलब आपने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। अब कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने जो ऑफर किया है, मतलब क्या, अगर कंपनी ने आपको एक ऑप्शन दिया था कि हमारे शेयर्स है ये दाम है ना, अब कंपनी ने एक्चुअल में आपको क्या दिया है? कंपनी ने आपको एक इंफॉर्मेशन दी है कि उनके शेयर्स जो है पब्लिक इशू में आ रहे हैं। अब आप कंपनी को अपना ऑफर दीजिए कि आप कंपनी से शेयर खरीदना चाहते हैं, तो आपने कंपनी के शेयर को अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब जब कंपनी के शेयर को आपने अप्लाई कर दिया तो कंपनी उसको एक्सेप्ट करेगी आपके ऑफर को, उसी को हम लोग अलॉटमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ऑफर पहले कौन करता है? ऑफर आप पहले करते हो। कंपनी ने जब प्रॉस्पेक्टस इशू किया, मतलब कंपनी
कंपनी ने आपको एक इंफॉर्मेशन दी अपने शेयर्स के बारे में जो वो पब्लिक इश्यू लेकर आ रही है, उसका फेस वैल्यू वगैरह वगैरह वो सारी डिटेल्स कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन प्रॉस्पेक्टस से सब आपको मिल जाएगी। अब कंपनी एक्सपेक्ट करती है कि जो लोग भी कंपनी के शेयर में इंटरेस्टेड हैं, कंपनी में पैसा लगाने में इंटरेस्टेड है, वो कंपनी को ऑफर करेंगे। क्या ऑफर करेंगे कि दे विल मेक एन एप्लीकेशन टू द कंपनी दैट दे वांट टू बाय दिस मेनी नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, तो वो ऑफर किसके पास से आ रहा है? पब्लिक के पास से आ रहा है, तो इसीलिए हम लोग उस ऑफर को बोलते हैं एप्लीकेशन। ठीक है, जब वो एप्लीकेशन आती है तो उसके मनी को हम लोग शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, और जो अमाउंट अलॉट होती है वो मतलब कंपनी ने उन शेयर होल्डर्स के ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है कि यस यू विल बी द शेयर होल्डर ऑफ अवर कंपनी। अब वो सारे शेयर होल्डर्स के शेयर को एक्सेप्ट कर रही है या के ऑफर को एक्सेप्ट कर रही है या फिर कुछ का कैंसिल भी हो सकता है, वो अलग सिचुएशंस होती है, वो हम लोग धीरे धीरे करेंगे। तो अभी हम लोग मान रहे हैं कि जितना भी शेयर इश्यू हुआ था है ना, पूरा का पूरा अप्लाई हो गया है, ओवर अंडर एप्लीकेशन नहीं मिली है। 500 शेयर था तो 500 शेयर एप्लीकेशन के रूप में मिला। ठीक है, तो ये है हमारे अलॉटमेंट का अमाउंट ड्यू हुआ था, ये अलॉटमेंट का मनी रिसीव हुआ है, कंपनी ने अब अलॉट कर दिया, मतलब अब कॉन्ट्रैक्ट में अपने को बांध लिया। ओके, नाउ वी विल पास द एंट्रीज फॉर द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो फर्स्ट कॉल पे कितना रुपए मिल रहा है कंपनी को, कंपनी कितना रुपए मांग रही है? 3 रुपए के हिसाब से अभी कंपनी को कितना मिल चुका है? 20 रुपए फेस वैल्यू पे कंपनी को 12 रुपए मिल चुके हैं, 5 रुपए एप्लीकेशन पे और 7 रुपए अलॉटमेंट पे। ठीक है, तो मतलब 12 रुपए कंपनी रिसीव कर चुकी है, बचा कितना है? 8 रुपए। 8 रुपए में से कंपनी 3 रुपए फर्स्ट कॉल पे मांग रही है। ठीक है, तो एंट्री क्या पास होगी? जब फर्स्ट कॉल ड्यू होगा तो दिस वॉज अवर फिफ्थ एंट्री ना, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कितना रुपए? 3 रुपए 500 शेयर के हिसाब से, तो कितना होगा? 1500। Being first call money due on 500 shares, ठीक है, ये narration आप लोग pass कर दें। अब जब ये amount actually में receive होगा तो क्या entry होगा? Just as in case of allotment हम लोगों ने ठीक किया था, bank account debit to share first call, ठीक है, यही सेम अमाउंट है, रिसीव हो रहा है। अब तो एंट्री नरेशन क्या होगा हमारा? बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल। ठीक है, अब हम लोग लास्ट एंट्री पास करेंगे, वो है हमारे फाइनल कॉल की। फाइनल कॉल में कितना पैसा मिलने वाला है कंपनी को? 5 रुपए, क्योंकि बाकी उसको मिल चुका है 12 + 3 = 15 रुपीज मिल गया कंपनी को, है ना। 5 रुपए एप्लीकेशन में, 7 अलॉटमेंट में, 3 फर्स्ट कॉल पे। अब बैलेंस अमाउंट मतलब 5 रुपए बचते हैं 20 रुपए में से, तो ये 5 रुपए कंपनी मांग रही है फाइनल कॉल पे। जब फाइनल कॉल होगा ड्यू, जब ड्यू होगा तो एंट्री पास होगी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कितना होगा? 5 रुपए के हिसाब से फिर से, तो 2500 और लास्ट एंट्री जब ये अमाउंट ड्यू हो, ये तो ड्यू की एंट्री थी, जब अमाउंट रिसीव होगी फाइनल कॉल पे तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा टू शेयर फाइनल कॉल। ठीक है, 2500। इसकी नरेशन क्या पास होगी? नरेशन क्या लिखी जाएगी? बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन फाइनल कॉल।
ये सारी एंट्रीज हम लोगों ने देखी व्हेनेवर शेयर्स ऑफ अ कंपनी आर इशूड एट पार. इशूड एट पार मैंने बताया कि जो जो फेस वैल्यू है उसी दाम पे अगर कंपनी इशू कर रही है शेयर को, तो हम लोग कहते हैं शेयर इशूड एट पार. जब ऐसा होता है तो ये सारी एंट्रीज हम लोग पास करते हैं. ओके स्टूडेंट, सो नाउ वी विल मूव ऑन टू द सेकेंड टाइप ऑफ इशू, दैट इज इशूइंग एट प्रीमियम. व्हेन अ कंपनी इशूज एट अ प्रीमियम, प्रीमियम मतलब जो फेस वैल्यू है उससे ज्यादा दाम पे अगर कंपनी अपने शेयर को इशू करती है पब्लिक को, तो हम लोग उसको प्रीमियम बोलते हैं, शेयर इशूड एट प्रीमियम. ठीक है, अलाउड है ये करना. कंपनी कोई भी कंपनी हो वो प्रीमियम पे शेयर इशू कर सकती है. और ये जो अमाउंट है, जो शेयर का प्रीमियम का अमाउंट है, ये कैपिटल प्रॉफिट होता है कंपनी के लिए. कैपिटल प्रॉफिट मतलब जो रेगुलर जो कंपनी का जो बिजनेस प्रॉफिट है वो अलग होता है, ये कैपिटल से रिलेटेड प्रॉफिट है ना, कैपिटल प्रॉफिट है. और इसको अलग पर्पस के लिए ही यूज किया जाता है. ठीक है, और इसको एक सेपरेट अकाउंट में रखा जाता है, इस अमाउंट को हम लोग सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट बोलते हैं या सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, दोनों में से कोई भी नाम आप दे सकते हैं. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद एन इलस्ट्रेशन टू अंडरस्टैंड हाउ वी डू इट. जोया लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 1500 शेयर्स, 1500 शेयर्स के लिए जोया लिमिटेड ने इन्विटेशन पब्लिक को से मांगी. ओके, ऑफ रुपीज 10 ईच, फेस वैल्यू कितना था 10 रुपए था, एट अ प्रीमियम ऑफ रुपीज 3 पर शेयर. ठीक है, इस पे 3 रुपए प्रीमियम पे कंपनी इशू कर रही है, मतलब 10 रुपए का शेयर जो है 13 रुपए पे. पेबल एज फॉलो, ये पेबल किस तरह से होगा देखिए, रुपीज 4 ऑन एप्लीकेशन, 4 रुपए एप्लीकेशन पे, रुपीज 4 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब 4 रुपए में प्रीमियम का अमाउंट इंक्लूडेड है, 4 रुपए जो अलॉटमेंट का अमाउंट है उसमें 3 रुपए इंक्लूडेड है किस चीज का, प्रीमियम का, मतलब अलॉटमेंट पे एक्चुअल में कितना गया 1 रुपए. बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है, जो बैलेंस अमाउंट बचता है वो फर्स्ट कॉल, मतलब फर्स्ट और फाइनल कॉल सेम है, इसमें दो कॉल्स नहीं है, फर्स्ट कॉल जो है वही फाइनल कॉल है. ठीक है, तो लेट्स बिगिन विद द सम फर्स्ट. सबसे पहले एंट्री जो हम लोग पास करेंगे, पहली एंट्री जो नॉर्मल एंट्री होती है हमारी एप्लीकेशन की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, जैसे हम लोगों ने अभी अभी किया. कितना रुपए मिल रहा है हम लोग को, 4 रुपए के हिसाब से है ना एप्लीकेशन, तो 1500 रुपए का 4, ठीक है. नरेशन आप दे दोगे, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन. नेक्स्ट यू विल ट्रांसफर दिस अमाउंट टू शेयर कैपिटल, सो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. ठीक है, ये वही सेम अमाउंट हो गया. नाउ अलॉटमेंट, अब अलॉटमेंट की एंट्री हो रही है. अलॉटमेंट मनी जब ड्यू होती है तो हम लोग क्या एंट्री पास करते हैं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितना रुपए से, पूरा 4 रुपए से. ठीक है, ये पूरा जाएगा, तो 4 इंटू 1500 रुपए से वही 6000, ठीक है. 2, अब यहां पे हमारी जो एंट्री होगी वो थोड़ी डिफरेंट होगी. 2 शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, शेयर कैपिटल में जाएगा जितना अमाउंट अलॉटमेंट का एक्चुअल में है, यानी 4 रुपए में से 3 रुपए तो प्रीमियम के हैं, मतलब 1 ही रुपए है अलॉटमेंट का, तो 1 रुपए वाला अमाउंट जाएगा
1502 1, ठीक है, और बाकी कहाँ जाएगा, 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। आप सिक्योरिटीज प्रीमियम भी लिख सकते हो, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व भी लिख सकते हो, ठीक है। शेड्यूल 3 में दोनों ही दिया हुआ, सॉरी जो कंपनीज एक्ट है 2013 उसमें दोनों ही दिया हुआ है। शेड्यूल 3 में रिजर्व दिया हुआ है और ऐसे कंपनीज एक्ट में आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, बैलेंस अमाउंट कितना बचा, 6000 रुपए से हम लोगों ने अलॉटमेंट किया, जो उसमें से कैपिटल में गया हमारा 1500, मतलब 1 रुपए के हिसाब से, ओके। और 3 रुपए के हिसाब से हमारा ये रिजर्व में आएगा, ₹4500, ठीक है। तो ये हमारा अलॉटमेंट का ड्यू है, ठीक है, अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू। अब फोर्थ एंट्री, अब पैसा रिसीव हो रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉट, ठीक है। ये कितना अमाउंट मिल रहा है, पूरा 6000, क्योंकि प्रीमियम का अमाउंट भी तो रिसीव होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने एप्लीकेशन मिली है ना, एप्लीकेशन मनी मिला, उसको हम लोगों ने ट्रांसफर किया शेयर कैपिटल में। उसके बाद अलॉटमेंट जो किया, उसमें अलॉटमेंट ड्यू हो रहा है, सॉरी अलॉटमेंट ड्यू जब हो रहा है तो आप देख रहे हो कि इसमें जो पैसा अलॉटमेंट का है वो तो शेयर कैपिटल में जा रहा है, और जो प्रीमियम का है वो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में जा रहा है, ठीक है। और जब अमाउंट रिसीव होगा तो टोटल अमाउंट रिसीव होगा 6000, ठीक है। नाउ विल डू द लास्ट एंट्री ऑन फाइनल कॉल, सो नाउ विल पास द बैलेंस एंट्री, दैट इज द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एंट्री, ठीक है। ये जब ड्यू होगी तो हम लोग क्या एंट्री पास करते हैं, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। ये जो एंट्री पास हो रही है ये ड्यू की एंट्री है। कितना अमाउंट है देखिए आप, 13 रुपए, 10 रुपए में से हम लोग मिला कितना है, 4 एप्लीकेशन पे और एक 5, है ना, 5 रुपए मिले हैं और 5 रुपए ही हमारे अभी बचे हुए हैं, ठीक है। 4 रुपए एप्लीकेशन पे मिला है, 1 रुपए अलॉटमेंट मिला, बाकी ये 3 रुपए तो प्रीमियम के थे क्योंकि एक्स्ट्रा है, उनको हम लोग नहीं काउंट कर रहे। 10 रुपीज में तो आप प्रीमियम को इंक्लूड नहीं करते हो, प्रीमियम इज एक्स्ट्रा, ठीक है। 10 रुपीज तो फेस वैल्यू है, तो हम लोग फेस वैल्यू में देख रहे हैं, 10 रुपए में से 4 रुपए एप्लीकेशन के मिले हैं, 1 रुपए हम लोग को अलॉटमेंट का मिला है, ठीक है। और बाकी जो अमाउंट कितना बचता है, 5 रुपए, ये फर्स्ट कॉल में आएगा, फर्स्ट और फाइनल कॉल, ठीक है। तो यहाँ पे आपका अमाउंट कितना आएगा, देखिए 1500 × 5, ठीक है। और ये अमाउंट जब रिसीव होगा तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, कितना है, वही सेम अमाउंट है 7500 being amount received। अच्छा, यहाँ share word use कर दीजिएगा, share first and final call,
ठीक है। तो ये है हमारी प्रीमियम का इलस्ट्रेशन, कैसे प्रीमियम, जब प्रीमियम पे शेयर इश्यू होता है तो किस तरह से एंट्री होती है। ओके स्टूडेंट्स, सो वी हैव कम टू द लास्ट पार्ट ऑफ अवर टॉपिक टुडे, दैट इज इश्यू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट। शेयर डिस्काउंट पे कैसे इश्यू होता है ये हम लोग जनरल एंट्री से देखेंगे, लेकिन डिस्काउंट पे इश्यू करने का मतलब क्या होता है। डिस्काउंट पे इश्यू करना मतलब जब शेयर फेस वैल्यू से कम दाम पे इशू करे कंपनी, ठीक है। जो कंपनीज एक्ट 1956 जो था, जो पहले का कंपनीज एक्ट था, वहां पे तो डिस्काउंट पे इशू होता था शेयर। जो नया एक्ट आ गया है कंपनीज का 2013 का जो एक्ट है, इट इज नॉट अलाउिंग इशूइंग शेयर एट डिस्काउंट। अब कंपनीज डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं कर सकती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो मतलब पब्लिक को इशू नहीं कर सकती है, लेकिन स्वेट इक्विटी जो मैंने आपको बताया था प्रीवियस सेशन में, स्वेट इक्विटी मतलब वो शेयर्स जो कंपनी अपने खास एम्प्लॉयज वगैरह को इशू करते हैं, उनके नो हाउ, जैसे कुछ डायरेक्टर्स हैं, कुछ बहुत ही एक्सपर्ट एम्प्लॉयज हैं जो अपने नो हाउ शेयर करें कंपनी के साथ, है ना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट यूज करें, तो ऐसे एम्प्लॉयज को स्वेट इक्विटी इशू करती है कंपनी। तो जब स्वेट इक्विटी इशू करेगी उस समय डिस्काउंट पे इशू किया जा सकता है, वो अलाउड है, ठीक है। कंपनीज एक्ट 2013 बोल रहा है कि स्वेट इक्विटी कैन बी इशूड एट अ डिस्काउंट, बट अदरवाइज पब्लिक इशू जो होता है वो डिस्काउंट पे अब अलाउड नहीं है नए एक्ट में, ठीक है। फिर भी हम लोग देख लेंगे कि किस तरह से डिस्काउंट की एंट्री होती है, ऑल्दो इट इज नो लॉन्गर नीडेड। तो इलस्ट्रेशन देखते हैं। Shaurya Limited issued 1000 shares of rupees 10 each at a discount of rupees 1 per share. ठीक है, हर शेयर पे एक रुपए का डिस्काउंट। The amount was payable as under. 10 रुपए का फेस वैल्यू है जिसमें एक रुपए डिस्काउंट है हर शेयर पे। अब 3 रुपए एप्लीकेशन पे मिलेगी, 2 रुपए अलॉटमेंट पे, 3 रुपए फर्स्ट कॉल पे, और जो बैलेंस अमाउंट होगा वो जब जरूरत होगी तो कंपनी मांग लेगी। अभी बताया नहीं गया है तो इसकी एंट्री नहीं होगी, ठीक है। जो बैलेंस अमाउंट अगर कुछ बचता है तो उस पर कोई एंट्री नहीं होगी, क्योंकि वो कंपनी को जब जरूरत होगी तो कंपनी मांगेगी, इसकी अभी बात नहीं हो रहा। अनकॉल्ड है ये, कॉल्ड में ये तीनों है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। तो लेट्स पास दी एंट्री, फटाफट करते हम लोग। पहली एंट्री वही हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन। हमारा अमाउंट क्या होगा, 3 रुपए के हिसाब से 1000 शेयर पे 3000। इसको जब आप ट्रांसफर करोगे तो एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन। आपको नरेशन देना है, मैं नरेशन नहीं दे रही हूँ। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यहां तक तो आपको आते ही है, आप कितनी बार कर लिए हैं तो समझ में आई क्या होगा आपको। यहां तक कुछ भी नया नहीं था, ये आपको हर बार करना है। अब जब अलॉटमेंट की बारी आ रही है तब देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं। सबसे पहले अलॉटमेंट का मनी ड्यू होगा, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितने से होगा, 2 रुपए के हिसाब, ठीक है, तो 2000। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर, ये भी डेबिट होगा, है ना। क्यों डेबिट हो रहा है, क्योंकि कंपनी के लिए लॉस है, कंपनी डिस्काउंट दे रही है तो लॉस इज डेबिटेड। कितना, 1000 पे 1 रुपए के हिसाब से 1000 रुपए टू शेयर कैपिटल। ठीक है, अब जब अमाउंट रिसीव होगा, यहीं पे थोड़ा प्रीमियम से फर्क हो जाता है कि प्रीमियम में तो टोटल अमाउंट रिसीव होता है क्योंकि प्रीमियम में मिल रहा है ना, लेकिन यहाँ पे क्या डिस्काउंट दे रहे हैं, इसलिए अमाउंट मिलेगा नहीं है 1 रुपए वाला, तो मिलेगा कितना, बैंक
अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट कितना हुआ? सिर्फ 2000। ये होगा, ये डिफरेंस है। प्रीमियम में आपका पूरा अमाउंट जाता है, यहाँ पे आपका बस अलॉटमेंट का जो अमाउंट है वो आएगा, क्योंकि बाकी तो डिस्काउंट पे है, वो मिलेगा नहीं, है ना, वो रिसीव नहीं होगा। नेक्स्ट इज फर्स्ट कॉल। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट कितना है हमारा? 3 रुपए के हिसाब से, तो 3000 टू शेयर कैपिटल, ये अमाउंट ड्यू हो रहा है। ये भी इसमें कुछ नया नहीं है, है ना, ये तो पुराना ही है, आपने किया हुआ है। अकाउंट लिख दीजिए, ठीक है। और लास्ट एंट्री, जब ये अमाउंट रिसीव होगी तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सम। ये जो लास्ट है बैलेंस अमाउंट, अगर कुछ है वो हम लोग पास नहीं कर रहे इसकी एंट्री, क्योंकि वो अनकॉल्ड है। ठीक है, वहां क्या लिखा है? व्हेन रिक्वायर्ड, वेन रिक्वायर्ड, जब कंपनी जरूरत होगी तो कंपनी कॉल करेगी। अभी कंपनी ने कॉल नहीं किया, तो कॉल्ड, जितना कॉल्ड अप कैपिटल होता है उसकी एंट्री हम लोग पास कर चुके हैं। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन गो थ्रू द सम्स, एग्जाम्पल्स, इलस्ट्रेशन गिवन इन योर बुक। ओके, जहां तक हम लोगों ने किया है इतने तक, जितने भी इलस्ट्रेशन हैं और जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, जितने भी अनसॉल्व क्वेश्चन है, सारे आप सॉल्व करिए, और उसके बाद मेरा असाइनमेंट सॉल्व करिए, उसके बाद भी अगर कोई डाउट है यू कैन आस्क मी। ओके, थैंक यू क्लास।